प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये है पालक, जिसको मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। देखिए अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया, दो तीन सीटों में, मेरा दो सीटों में हो गया था, दो तीन में नहीं। और इसका पानी निकाल दिया, आप इस पर ठंडा पानी ना डालें, पूरा पानी निकल के बाद ठंडा हो जाता है। उसके बाद मैं इसका बना क्या रही हूँ वो बताती हूँ। मैं थोड़ा सा बनाऊंगी पालक का रायता, और पालक बच्चे के लिए एंड आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स सबके लिए अच्छी होती है एंड इसमें विटामिन भी बहुत सारे होते हैं पालक में, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके देन इसका जो भी सब क्लीन करके पूरा अच्छे से वॉश करके एंड इसको बॉयल कर लिया है मैंने कुकर में। एंड उसके बाद अब मैं इसका रायता भी बनाऊंगी एंड पालक के पराठे भी बनाऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस पालक के रायता कह रहे हैं, पालक को कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे ताकि इसका जो पानी है हल्का सा जो भी इसमें है वो निकल जाए हल्के हल्के हाथों से जस्ट। और अगर आप कुकर में से या भगोने में जिसमें भी पालक आप बॉइल कर रहे हो तो पानी निकालने का उस पर ठंडा पानी ना डाले, मैं फिर बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पानी निकलता है इसमें पहले जो भी निकलेगा उसको हम फेंक देंगे। तो चलिए आगे के प्रोसेसिंग पे चलते हैं। सो अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, मिक्सी लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इस तरीके का कोई चॉपर हो, नहीं तो सिलबटने होता है वो भी हो, या खलबटना हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप इसको बस पीसना है आपको। सो मैं इसमें इसको डाल दूंगी एंड उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है, ये देखिए एकदम बारीक हो जाना चाहिए, जैसे कि चटनी हम बनाते हैं आप लोग जानते हो, उस तरीके का हो जाना चाहिए। एंड मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब भी अगर आपको पता करना है कि आपका पालक बॉयल हुआ है कि नहीं, तो आपको बस, मैं पीछे रह जाती हूँ, तो आपको बस क्या करना है, इतना हल्के से आपने उंगली से ऐसे दबा के देखना है एक पत्ते को, अगर वो तुरंत मैश हो जा रहा है तो समझ लीजिए आपका पालक जो है वो हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से निकाल करना है और मैं इसको बाउल में निकाल लूंगी। इसमें मेरा रायता कह रही हूँ, मेरा पालक मैंने ये निकाल लिया है और अब हम पहले बनाएंगे अपना रायता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रायता बनाना। सो रायता बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे जैसे कि रई है, अगर आपके पास मथनी नहीं है या आपके पास ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर कुछ भी है वो चलेगा। एक बड़ा बर्तन चाहिए जिसमें अच्छे से रायता फिट जाए, मतलब बन जाए, मतलब जैसे ये मथनी इसमें जा रही है, इस तरीके का बर्तन चाहिए। और अगर आप दो लोगों का बना रहे हो तो इतने से बर्तन में हो जाएगा। काला नमक चाहिए हमें, सफ़ेद नमक चाहिए, जो हमारा पालक है वो चाहिए, हींग चाहिए, और ये मेरा घर का मठा है, मठा जो घर से चलाया हुआ वो मठा है, तो वो ले लीजिए आप। और मसाले चाहिए होंगे, मसाले में हमें चाहिए होगा जीरा एंड लाल मिर्ची, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है। सो मसाले पूरे नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ जीरा और लाल मिर्ची चाहिए होगा। सो चलिए हम प्रोसेसिंग पे स्टार्ट करते हैं अपना रायता बनाना। और इधर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तवे को गर्म कर लेंगे अच्छे से, ज़्यादा गर्म नहीं करना, मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो वो गर्म होते ही सबसे पहले हम इस पर हींग डालेंगे, लेकिन तवा गर्म हो रहा है उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास मठा है, अगर आपके पास मठा नहीं है तो आप दही से भी बना सकते हैं, दही भी बाजार का ला सकते हैं, खट्टे दही से बना सकते हैं, नॉर्मल दही से भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा तवा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पिंच करीब हींग ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं हींग ऐड कर देती हूँ और हींग को अच्छे से मैं चम्मच से चला लूँगी, क्योंकि हमें इनको भूनना है, ठीक है, नहीं तो कच्चा बनाएगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी, जस्ट थोड़ा सा, और इसको भी अच्छे से भूनूँगी जीरे को, ठीक है, कच्चा जीरा उसमें अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। सो आप जीरा देख सकते हैं भून चुका है अच्छे से, धुआं भी निकल रहा है,
अब अपना ये बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ना ठंडा होने देंगे, तो लेकिन ठंडा होने तक थोड़ा सा चला के रहेंगे, नहीं एक जगह जल जाएगा, ठीक है। और तब तक आप क्या करेंगे, अपना दही या ये जो भी है मठा दही, उसको अपने बर्तन में निकाल देंगे। मैं ये नहीं कह रही लोटा ले लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल हो वो बर्तन ले लीजिए, ठीक है। बर्तन में मठा है, उसमें ये जो जीरा और हींग हमने मतलब किया था, भूना था, तो इसको हम है ना इस तरीके से हाथों से मल के इसमें डालेंगे। इसी तरीके से आप डालिए, क्योंकि इससे ना जो जीरा का टेस्ट है वो मतलब रायतों में या मठा रायतों में बहुत अच्छा आता है, वो डालेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल देंगे, जस्ट थोड़ी सी, थोड़ा सा हम सफ़ेद नमक डालेंगे एंड थोड़ा सा हम काला नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें अपना भतुआ डालें, वो सॉरी पालक डालेंगे। पालक आप पहले थोड़ा ही डालें, जैसे कि मैं एक ले रही हूँ थोड़ा, क्योंकि आप तब तक इसमें थोड़ा डालें, क्योंकि ये आपको चेक करना है कि ज्यादा हरा ना हो जाए, ठीक है। और इसको हम चलाएंगे इस तरीके से, रई से देखिए इस तरीके से चलाएंगे, दिखाते। अगर आपको कम हरा लग रहा है तो आप और ऐड कर लीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो आप उतना ही उसको रहने दीजिए। जैसे कि मेरा बिल्कुल ठीक कलर आया है इसका, ज्यादा हरा नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला था पालक, और अच्छे से इसको मिला देंगे। तो मेरा थोड़ा सा मुझे गाढ़ा, मतलब जो मेरा मठा था डिब्बा था ये वाला, इसमें ये था, तो इसको भी मैं इसमें धो के थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा, ताकि ठीक हो जाए वो पतला सा। ये हो गया मेरा रायता रेडी, हल्का सा आप चख के देख लेंगे नमक वगैरह कैसा है कैसा नहीं है। और ये हमारा रायता रेडी हो गया है बढ़िया से, कलर भी इसका बहुत सही आया है, आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ही बनाया है, ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा डाला भी नहीं है, कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। सो अभी जो बाकी का ये हमारा जो पालक है, अब हम इसका करेंगे आटे में यूज, ठीक है। अगर आपको नहीं बनाना है तो आपकी मर्जी, बढ़िया रायता और रायते के पालक का रायता और पालक के पराठे बन रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अपना आटा छान लेंगे और आटे में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना आपका आटा है उतना, एंड थोड़ा सा रेड चिली करेंगे ऐड, एंड थोड़ी सी हम हींग ऐड करेंगे इसमें, हींग ऐड कर देंगे। और इसके बाद अपना जो पालक है मेरा, उसको मैं ऐड कर दूंगी। जितना भी मेरा पालक है, अब क्या करेंगे कि हम पालक को मतलब जब इसमें मतलब आटे में पानी ऐड नहीं करेंगे, जितना पालक है पहले उसको ही अच्छे से इसमें मतलब कोशिश करेंगे आटा इसी में हो जाए, फिर थोड़ा सा पीछे से पानी ऐड करेंगे, वरना आपका आटा बहुत गीला हो जाएगा, और ज़्यादा गीला और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, मीडियम करना है। पहले इसको ही अच्छे से मिला लेंगे हम फटाफट से, अब तैयारी करते हैं पराठा बनाने की। मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है, और तवे को ऑन कह रही हूँ, गैस को ऑन कर देती हूँ मैं अपने को, इंडक्शन को, और आपको फ्लेम थोड़ा करीब रखना है, ठीक है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, आप रिफाइंड में सेकिए या सरसों के तेल में सेकिए, जिसमें आपका मन करे उसमें आप पराठा सेक सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पराठे की लोई लेंगे, सबको पराठे बनाना आते ही होंगे आई होप, और थोड़ा सा परोठा लगाएंगे और इसको बेलेंगे। ठीक है, इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे,
हल्का सा ऑयल लगाते हैं इसको। आप गोल चाहें तो गोल कर लीजिए, नहीं तो तिकोने चाहें तिकोना कर लीजिए, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा आप इसको फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे तिकोना किया हुआ है और अब इसको मैं बेल लूँगी। हल्के हल्के हाथों से बेल लीजिए, जो शेप चाहे आप उस शेप में बेल लीजिए। तो ये हमारा पराठा बेल के जो है रेडी है तिकोना, और अब हम इसको तवे पे डालेंगे। सो मैंने यहाँ पे पराठा अपना डाल दिया है तवे पे, इसको दोनों साइड से थोड़ा सा सिकने देंगे। और अगर आप मेरी तरह इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये जो डोसा चपाती वाला फ्लेम है उसको ऑन करके रखिए। ठीक है, ये देखिए इस साइड से फूलने लगा है, इसको मैं पलट दूंगी, दूसरी साइड भी सिकने दूंगी। दूसरी साइड से भी मेरा देखिए हो चुका है, तो अब मैं इसको सेक लूंगी इस पर ऑयल डाल के। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एक साइड ऑयल लगाऊंगी और इसको पलट लूंगी। देखिए हमारा पराठा बड़ा अच्छा सा फूल चुका है। दूसरी साइड भी हल्का सा ऑयल कर दूंगी। और इनको अच्छे से दोनों साइड से सेक लेंगे। सो ये देखिए हमारा बढ़िया सा पराठा सेक के रेडी हो गया है। दोनों साइड से अच्छे से सेक चुका है। ये देखिए बढ़िया सा पराठा सिक्के हमारा जो रेडी हो चुका है, और इसको आप रायते से सब्जी से किसी से भी खा सकते हैं। बहुत यम्मी रहता है, विटामिन भी काफ़ी अच्छा रहता है, एंड जो हमारा रायता था वो भी बहुत अच्छा बना था। सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो, मैं वो भी वेट करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी, एंड मैं बहुत दिन बाद इस चैनल पे कुछ रेसिपी शेयर की हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। ओके, सो थैंक यू, एंड देखते रहिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए। या आप लोगों को इस पर और रेसिपी चाहिए तो मैं और अच्छे अच्छे चीज़ जो जो मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।